बच्चों, आज हम आपको पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या समझाएंगे, मतलब बिफोर और आफ्टर। पूर्ववर्ती संख्या वे होते हैं जब हम एक संख्या, जस्ट एक संख्या हम घटाते हैं तो हमारा कैसा आता है साइन, घटाने का ये साइन आता है। अनुवर्ती संख्या जब हम एक जोड़ते हैं, जोड़ने का साइन हमारा क्या है, प्लस है। पूर्व का मतलब होता है जस्ट पहले, और अनु का मतलब होता है जस्ट बाद। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई ये संख्या है 2, 2 के पहले हमको पता करना है, तो जब हम एक घटाएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि 2 के पहले एक आता है, तो वो हमारा पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, एक। 2 के बाद क्या आता है, जब हम संख्या में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो अनुवर्ती संख्या हमारा क्या हो गया, 3। इसी तरीके से 4, कोई संख्या है 4 के पहले क्या आएगा, 3, और 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6, 6 के बाद 7, 6 के पहले 5, 5 के पहले 4, 7 के पहले 6, 7 के बाद 8। इसी तरीके से हम समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई 3 संख्या दिए हुए हैं, 14 है, 121 है, 352 है। सबसे पहले हम 14 का पता करते हैं, 14 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है। तो 14 में हम एक घटाएंगे, कितना हुआ मेरा, 13। तो हमारी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई, 13। 14 की अनुवर्ती संख्या क्या है, तो 14 में हम एक जोड़ेंगे, कितना आएगा, 15। तो अनुवर्ती संख्या क्या हो गई हमारी, 15। इसी तरीके से 121 है, 121 का क्या हो जाएगा पूर्ववर्ती, 120, और इसका अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 122। नीचे की संख्या 352 है, इसका पहले की संख्या क्या आएगी, 351, और अनुवर्ती में क्या हो जाएगा, 353। मान लीजिए कोई यहां पर संख्या है, सबसे पहले हमें कोई भी संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पता होना चाहिए। जैसे ये कोई संख्या है, इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये कौन सी संख्या लिखी है, 6703। इसमें हम एक माइनस करेंगे, एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 6702। तो ये हमारी संख्या क्या हो गई, पूर्ववर्ती, क्योंकि हम इसके जस्ट बाद हम एक घटाए हैं। हमने कहा है कि संख्या में एक घटाकर जब हम एक घटाएंगे तो हमें पूर्ववर्ती पता चलेगा। इसी तरीके से इसी संख्या में जब हम एक जोड़ेंगे तो 6704 आ जाएगा। ये हमारा कौन सा संख्या हो गया, अनुवर्ती संख्या हो गया। संख्या में जब हम एक जोड़ेंगे, संख्या में जब हम एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुवर्ती, और संख्या में जब हम एक घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती। इसी तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं बहुत ही इजी वे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।